हाथरस की बेटी की याद में एक महीना पूरा होने पर कैंडल मार्च के साथ दी श्रद्धांजलि। इस मौके पर समाज सेविका साइमा खान और महिलाओं ने गांव में शांतिपूर्वक घूमकर कैंडल मार्च निकाला और सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की, जहां मौत के बाद समाज में भारी गुस्सा है। इसके विरोध में दलित समाज की महिलाएं और मुस्लिम समाज की महिलाओं ने मिलकर शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाल कर सरकार से इंसाफ दिलाने की मांग की। बेटी दलित को एक महीना पूरा होने पर भी अब तक कोई इंसाफ नहीं दिखाया, लगातार जाँच चल रही है। इस मौके पर समाज सेविका साइमा खान ने कहा कि अभी लगातार यूपी में महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, जहां पर महिला हेल्प डेस्क बनी है, यह सब सरकार की नौटंकी है। आज भी बलात्कार जैसे मामले सामने आ रहे हैं, सरकार विफल नजर आ रही है। बेटी मनीषा के कातिल को न्याय मिले, नहीं तो दलित और मुस्लिम समाज एक बड़ा आंदोलन छेड़ेगा। साइमा खान ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। हमने आज ये प्रोग्राम हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए किया है। एक महीना हो चुका है हम लगातार ये कार्यक्रम कर रहे हैं उसको इंसाफ दिलाने के लिए। आज फिर हमने उसको श्रद्धांजलि देते हुए उसके इंसाफ के लिए मांग की है। मैं बता रही हूँ यूपी के अंदर ये 2019 में हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है? एक के बाद एक निर्मम हत्या होती जा रही है, रेप के बाद निर्मम हत्या हो रही है। और ये देखा जाता है यूपी के अंदर तो स्पेशली देखा जाता है कि दलितों के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ ऐसा होता है। अगर आप माइनॉरिटीज़ हैं और दलित हैं तो आपकी सत्ता में कोई नहीं सुनेगा, आपकी मीडिया कोई नहीं सुनेगी, आपकी कहीं नहीं चलेगी, आपके साथ कोई नेता नहीं होगा, आपके साथ आपका कोई समाज में साथ नहीं देगा। यहाँ तक देखा गया है कि नेताओं के भी अभद्र टिप्पणियाँ देखी गई हैं। विक्टिम को ही गुनहगार ठहरा दिया जाता है, जो कि एक जैसा देखा गया है हाथरस में जो जिसकी हत्या हो चुकी है, इतनी निर्मम हत्या के बाद उसी को ही गुनहगार ठहराया जा रहा है और उसी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां नेता कर रहे हैं। क्यों ऐसा हमारे देश के कानून में क्यों है? क्यों हो रहा है इतना ये सब? क्यों उसको न्याय नहीं दिया जा रहा है? एक तो उसके बाद इतना सब कुछ हो रहा है, उसके बाद उसको न्याय देने की बजाय विक्टिम के ही परिवार को भी सताया जा रहा है। देखा गया है उसके परिवार को ही नज़रबंद कर दिया गया, उस पर प्रेशर बनाया गया। और ये एक महीना पूरा हो चुका है, अब तक कोई भी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की गई है और हमारी मांग है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। इसलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको श्रद्धांजलि दी जा रही है। थैंक यू।